हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल रवीना रसोई में स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू सैंडविच। देखिए कितनी टेस्टी हमारी आलू सैंडविच बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई करना, अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने आलू ले लिए हैं 2-3, उनको बॉईल कर लिया है और क्रश कर लिया है। और एक पैन लेंगे, उसमें थोड़ा घी और तेल डालेंगे, जीरा डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, सूखे मसाले डाल देंगे, लाल मिर्ची, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, आलू डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो गया हमारा। अब इसको हम निकाल लेंगे एक बाउल में, और दूसरी तरफ हम सैंडविच का ढांचा रखेंगे, उसमें थोड़ा घी लगा लेंगे। और मैंने ये ब्रेड, ब्राउन ब्रेड लिया, उस पर आलू की पेस्ट लगा ली है, और ऊपर से दूसरी ब्रेड रख के अब इस पर हम ढांचे में रख देंगे इसको, और बंद करके दोनों तरफ से सेक लेंगे। बारी बारी से धीमी आंच पे हम दोनों तरफ सेक लेंगे। बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे, नहीं हमारी सैंडविच जल जाएगी। देखिए, खोल के देखा, हमारी सैंडविच अच्छी पकी एक तरफ से। अब दूसरी तरफ से भी पका लेंगे इसी तरह। देखिए, अब हमारी सैंडविच दूसरी तरफ से भी पक गई है, इसको निकाल लेंगे। इसी तरह हम सभी सैंडविच को बनाकर तैयार कर लेंगे। अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। बाय गाइस, देखिए हमारी सैंडविच कितनी टेस्टी बनकर रेडी हुई है। इस पर हम टमाटो सॉस डालेंगे, हरी चटनी जो आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। इसको चारों तरफ फैला देंगे, फिर कट करके इसको खाएंगे। देखिए कितनी अच्छी सैंडविच बनी है हमारी। मैं कट करके दिखाती हूँ आपको। देखिए